नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जमीन सर्वेक्षण में वंशावली की पड़ेगी जरूरत, ऐसे करें आवेदन। डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं में बांका को मिली सबसे ऊंची रैंकिंग। क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण का 60% काम पूरा। एसीएसएस सिद्धार्थ ने बुलाई यूनिवर्सिटी की समीक्षा बैठक। टेस्ट और महिला क्रिकेट को आगे ले जाना चाहते हैं जय शाह, बताया लक्ष्य। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं में बांका को मिली सबसे ऊंची रैंकिंग, भोजपुर रहा पीछे। हाल ही में स्वास्थ्य विभाग ने 12 से 17 अगस्त के बीच राज्य के विभिन्न अस्पतालों में डिजिटल माध्यम से मरीजों की देखभाल की स्थिति की जांच की। इस रिपोर्ट के अनुसार बांका जिला इस क्षेत्र में अव्वल रहा। यहां पर 99.02% मरीजों को डिजिटल माध्यम से देखा गया है। वही भोजपुर जिला डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं में काफ़ी पीछे है, जहां केवल 69.57% मरीजों को ही डिजिटल माध्यम से देखा गया है। कटिहार और किशनगंज में 98.41 और 97.33% के साथ दूसरे और तीसरे स्थान, पटना में 71 और भागलपुर में 75.9% के साथ 37वें और 25वें स्थान पर, मुजफ्फरपुर 98.80% के साथ 9वें स्थान पर रहा। जमीन सर्वेक्षण में वंशावली की पड़ेगी जरूरत, ऐसे करें आवेदन। बिहार में जमीन सर्वेक्षण का काम शुरू हो चुका है। सर्वेक्षण के दौरान सर्वेक्षण कर्मी जमीन के असली मालिक से कई कागजात मांगेंगे और इनके बाद जमीन से जुड़ी जानकारियों को अपडेट किया जाएगा। इनमें से एक अहम कागजात वंशावली है। ऐसे में वंशावली बनाने में पंचायत सचिव सहयोग करेंगे। आपको परिवार का वंशावली सूची तैयार कर शपथ पत्र बनवा कर ग्राम पंचायत सचिव को देना होगा। ग्राम कचहरी सचिव कार्यालय अभिलेख में वंशावली कागजात को दर्ज कर वे सरपंच को वंशावली निर्गत करने हेतु अभिलेख को भेजेंगे। सरपंच वंशावली प्रमाण पत्र पर अपना हस्ताक्षर मोहर करने के बाद आवेदनकर्ता को वापस लौटा देंगे। इसके अलावा वंशावली बनवाने के लिए आप dlrs.bihar.gov.in वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। 1000 गांव में बनी 3154 किलोमीटर सड़कें। ग्रामीण कार्य विभाग ने हाल ही में 3154 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूरा कर लिया है, जिससे 1000 से अधिक गांव में यातायात व्यवस्था को मजबूती मिली है। इन नई सड़कों से न केवल दूर दराज के टोलों और बस आउटों को संपर्क मिला है, बल्कि अस्पतालों और महत्वपूर्ण भवनों तक भी पहुंच बन चुकी है। इससे ग्रामीण इलाकों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है और स्थानीय बाजारों से जुड़ने के बाद किसानों और उत्पादकों को अपने उत्पाद शहरी बाजारों तक पहुंचाने में सुविधा हुई है। विभाग ने 3507 करोड़ रुपए खर्च कर ये सड़कों का निर्माण पूरा किया है। विशेष रूप से जहां पुलों की आवश्यकता थी, वहाँ उनका भी निर्माण किया गया है। क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण का 60% काम पूरा। नालंदा में राज्य खेल अकादमी राजगीर और बिहार खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 29 अगस्त को करेंगे। फिलहाल क्रिकेट स्टेडियम का 60% काम जो है पूरा हो चुका है और इसे मार्च 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही राज्य खेल अकादमी और क्रिकेट स्टेडियम के संचालन के लिए 114 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी, जबकि खेल विश्वविद्यालय के संचालन के लिए 33 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। खेल विभाग के प्रधान सचिव बी राजेंद्र ने जानकारी दी कि उद्घाटन समारोह के अवसर पर राज्य के 9 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धियों के आधार पर नगद पुरस्कार और सम्मान प्रदान किया जाएगा। एसीएसएस सिद्धार्थ ने बुलाई यूनिवर्सिटी की समीक्षा बैठक, वित्तीय वर्ष 24-25 पर चर्चा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बिहार के 13 विश्वविद्यालय के बीसी की बैठक बुलाई है। शिक्षा विभाग ने आज समीक्षा बैठक की। इसके अलावा 29 अगस्त को भी यूनिवर्सिटी की समीक्षा बैठक बुलाई गई है। सूत्रों की माने तो इस बैठक में वित्तीय वर्ष 24-25 की वित्तीय खर्च की समीक्षा की जाएगी। वही 29 अगस्त को मगध, मुंगेर, बीएन मंडल, तिलकामांझी, पूर्णिया, कामेश्वर सिंह, दरभंगा, संस्कृत और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालयों की कुलपतियों के साथ बैठक होगी। एस सिद्धार्थ इस दौरान वित्तीय वर्ष 24-25 को लेकर वित्तीय खर्च की समीक्षा करेंगे। राज्य में नए मुख्य सचिव की खोज तेज, मौजूदा मुख्य सचिव 31 अगस्त को सेवानिवृत्त।
राज्य में नए मुख्य सचिव की तलाश तेज हो गई है, क्योंकि मौजूदा मुख्य सचिव बर्जीस मेहरोत्रा 31 अगस्त को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। सरकार ने बिहार कैडर के मुख्य सचिव रैंक में मौजूद 7 IAS अधिकारियों में से किसी एक को चुनने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वर्तमान विकास आयुक्त चैतन्य प्रसाद की दावेदारी प्रमुख मानी जा रही है, लेकिन ये तय नहीं है कि उन्हें ही मुख्य सचिव बनाया जाएगा। इसके अलावा मुख्य सचिव रैंक के अन्य अधिकारियों में भी संभावनाएं जताई जा रही है। इसी बीच मुख्य सचिव को 3 से 6 महीने के एक्सटेंशन की भी चर्चा है, लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग के सूत्रों के अनुसार अब तक एक्सटेंशन की फाइल दिल्ली नहीं भेजी गई है। ऐसे में नए अधिकारियों के चयन की संभावना अधिक नजर आ रही है। बेटा एयरपोर्ट का होगा विस्तार, डीएम ने की भूमि अधिग्रहण के लिए नई टीम की नियुक्ति। बेटा एयरपोर्ट पर रनवे के विस्तार के लिए 190.50 एकड़ जमीन की आवश्यकता है। इस योजना की निगरानी के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने एक उच्च स्तरीय टीम गठित की है। इस टीम में अपर समाहर्ता पटना एयरपोर्ट भूमि प्रबंधन के सहायक महाप्रबंधक, जिला भूअर्जन पदाधिकारी, दानापुर के DCLR, बेटा CO और नगर कार्यपालक पदाधिकारी शामिल हैं। ये टीम जल्द ही स्थल का निरीक्षण कर भूमि की उपलब्धता का प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी। डीएम ने हाल ही में बेटा हवाई अड्डा पर सिविल एनक्लेव के निर्माण की समीक्षा के दौरान इसे जनहित की एक महत्वपूर्ण परियोजना बताते हुए कहा कि इससे यात्रियों को आवागमन में काफी सुविधा मिलेगी। अब पत्थरबाजी से बिहार पुलिस को नहीं होगी दिक्कत, मिला सुरक्षा कवच। अब बिहार पुलिस को उपद्रव और पत्थरबाजी से निपटने के लिए एडवांस फुल बॉडी प्रोटेक्टर से लैस कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार इस सुरक्षा कवच को पहनने के बाद पुलिसकर्मी 360 डिग्री से होने वाली पत्थरबाजी में सुरक्षित रहेंगे। इसमें छाती के लिए प्रोटेक्टर, कंधे के पैड, ऊपरी भुजा गार्ड, कोहनी गार्ड, ग्रोइन और सिन गार्ड होंगे। इस सुरक्षा कवच का वजन करीब 6 किलोग्राम है। बिहार में पहली बार पुलिसकर्मियों को एडवांस फुल बॉडी प्रोटेक्टर मिला है। इस प्रोटेक्टर से लैस पुलिस पत्थरबाजी के बीच रुकेगी नहीं, बल्कि आगे बढ़ती रहेगी और उपद्रवियों को दबोच लेगी। IPS बी श्रीनिवासन होंगे देश के नए NSG प्रमुख। वरिष्ठ IPS अधिकारी बी श्रीनिवासन को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया गया। श्रीनिवासन 1992 बैच के बिहार कैडर के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं। कार्मिक मंत्रालय के आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने श्रीनिवासन की NSG के महानिदेशक के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी है। बता दें श्रीनिवासन इस समय बिहार पुलिस अकादमी राजगीर के निदेशक हैं। शिक्षक दिवस पर बिहार के 2 शिक्षक किए जाएंगे सम्मानित। बिहार के 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बिहार से डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी और सिकंदर कुमार सुमन को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना है। मीनाक्षी कुमारी, जो मधुबनी जिले के शिव गंगा गर्ल्स +2 हाई स्कूल में सहायक शिक्षक हैं। सिकंदर कुमार सुमन, जो कैमूर जिले के तरहानी के न्यू प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर हैं। इन दोनों शिक्षकों को राष्ट्रपति द्वारा 5 सितंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार उनके अद्वितीय योगदान और उत्कृष्ट शिक्षा सेवा के लिए दिया जा रहा है। हाजीपुर में निर्माणाधीन पुल से टकराई नाव, 3 यात्रियों ने तैरकर बचाई जान, 2 लापता। बिहार के वैशाली जिला के रुस्तमपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत निर्माणाधीन 6 लेन पुल के पाया नंबर 55 से अनियंत्रित होकर नाव टकराकर गंगा नदी में डूब गया। इस दौरान अफरा तफरी मच गई। नाव पर सवार नाविक समेत 3 व्यक्ति किसी तरह नदी से बाहर निकल गए, वही 2 व्यक्ति लापता हैं। लापता व्यक्ति गंगा ब्रिज के थाना अंतर्गत तेरसिया पंचायत निवासी अवधेश राय और राकेश कुमार बताए जा रहे हैं। घटना के संबंध में रुस्तमपुर थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि 2 व्यक्ति लापता हैं, उन्हें खोजा जा रहा है। चुनाव के लिए 100-100 रुपये चंदा मांगेंगे प्रशांत किशोर।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर प्रशांत किशोर की तैयारियां तेजी से आगे बढ़ रही है। जनसुराज के बैनर तले लगातार पदयात्रा और विभिन्न कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। अब प्रशांत किशोर ने चुनावी फंडिंग के लिए एक नया अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। प्रशांत किशोर ने बिहार की जनता से आर्थिक सहायता मांगने के लिए एक कैंपेन शुरू किया है। उनका लक्ष्य है कि बिहार के 2 करोड़ लोग कम से कम 100-100 रुपये की मदद दें ताकि चुनावी फंडिंग में कोई बाधा ना आए। यह अभियान 2 अक्टूबर से शुरू होगा। ममता बनर्जी पर जमकर बरसे ललन सिंह। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ममता बनर्जी पर जमकर बरसे। ललन सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके की घटना हो रही है वहां पर ऐसा लगता है कि सुशासन है ही नहीं। जिस राज्य के मुख्यमंत्री महिला हो और वहां पर महिलाओं के साथ ऐसी घटना हो, उसके बाद लाठीचार्ज और टीयर गैस के गोले दागे जाए तो ये समझ से बाहर है। वही देश में जाति गणना की मांग पर कहा कि जाति गणना के मामले राहुल गांधी और सोनिया गांधी के मुंह पर टेप चिपक जाता है, वे कुछ बोलते नहीं हैं और ममता बनर्जी का साथ देते हैं। टेस्ट और महिला क्रिकेट को आगे ले जाना चाहते हैं जय शाह, बताया लक्ष्य। आईसीसी के नया चेयरमैन के रूप में जय शाह ने अपने कार्यकाल की शुरुआत करते हुए महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जय शाह ने कहा कि हमें क्रिकेटरों को लंबे प्रारूप की ओर आकर्षित करने की दिशा में काम करना चाहिए और इसके लिए अलग कार्यक्रम स्थापित करने की योजना पर काम करेंगे। जय शाह ने विश्व क्रिकेट के मानकों को ऊंचा उठाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए कहा, मुझे आईसीसी सदस्यों का आभार है जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया। मैं पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूँ कि क्रिकेट के मानकों को ऊंचा उठाने के लिए हर संभव प्रयास करूँगा। शाह ने महिला और दिव्यांग क्रिकेटरों के विकास को भी प्राथमिकता देने की बात की है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रवि कुमार राम, राजकिशोर महतो, सादुल्ला पलवी, मोहम्मद अरमान, संजीव कुमार, रवि मोहन वर्मा, गोनर शर्मा, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, दीपक कुमार, नौशाद राजा, रंजीत मिश्रा, परमिला कुमारी, पवन सिंह, विद्यानाथ ठाकुर, सपना कुमारी, राकेश मिश्रा, अरुण प्रभाकर, अनवर करीम खान, जितेंद्र ठाकुर, अमरजीत यादव, राम बाबूदास, मोहम्मद साकिर हुसैन। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आप अपने खाली समय में क्या करना पसंद करते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर हमें देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।